हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जहां के पहाड़ी घुमावदार रास्तों पर गाड़ी चलाने में अच्छे अच्छे ड्राइवरों के भी पसीने छूट जाते हैं। पूरी दुनिया में हिमाचल की सड़कें गाड़ी चलाने के लिए सबसे खतरनाक रास्तों में शुमार होती हैं। लेकिन सीमा ठाकुर को इन मुश्किल रास्तों को नापते हुए अब 4 साल हो चुके हैं। ड्राइविंग के जिस काम को आमतौर पर पुरुषों के लिए माना जाता है, सीमा ने वहां अपनी अलग पहचान कायम की है। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के 8,813 कर्मचारियों में वो इकलौती महिला ड्राइवर हैं। कोरोना काल में भी सीमा लगातार ड्यूटी कर रही हैं। ट्रेनिंग 5 मई 2016 में हुई है और मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ पे सेवा देते देते, मतलब HRTC में ड्राइवर के उस पर। तो अभी भी मैं कोरोना टाइम, जैसे आजकल आपको पता ही है जो चल रहा है, उसमें भी हम ड्यूटी कर रहे हैं। सीमा के पिता भी बस ड्राइवर थे। उनके अचानक निधन के बाद परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आया तो बेटी ने खुशी खुशी इस काम को अपना लिया। क्या कोरोना काल में ड्यूटी करते समय इन्फेक्शन का डर सताता है? देखिए इसके जवाब में सीमा क्या कहती हैं। डर भी है, लेकिन फिर भी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी ड्यूटी है। तो जैसे हम शाम को घर जाते हैं, तो जैसे घर वाले, तो डर तो लगता है कि घर में कैसे एंटर हो रहा है। पर उसके लिए जो भी हमें मतलब सेफ हो दिए गए हैं, सैनिटाइजर है, मास्क है या किट है, तो उसके हिसाब से मतलब सारा काम कर रहे हैं। जब एक महिला ड्राइवर की सीट पर बैठी हो तो बस में सफर करने वाले यात्री क्या सोचते हैं, सुनिए। बहुत मैं अब अच्छा अनुभव करती हूँ कि अब मैं भी इस ट्रांसपोर्ट में रिटायर हुई। 35 साल मैंने ट्रांसपोर्ट सर्विस की, मैं भी रिटायर हूँ इसी ट्रांसपोर्ट से। और इनके फादर भी ट्रांसपोर्ट में थे, वो भी अच्छे ड्राइवर थे। और उनकी जगह मतलब उनके एक्सपायर होने के बाद ये लगी हैं। बहुत इंटेलिजेंट लड़की हैं, बहुत अच्छा करती हैं, सबसे अच्छा कोऑपरेट करती हैं। ये बहादुर लड़के, मैं बोलती हूँ ऐसे होनी चाहिए हिमाचल में। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ लोग महिलाओं की ड्राइविंग स्किल्स का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। कहते हैं कि महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती। हिमाचल की सीमा साबित कर रही हैं कि ऐसे लोगों की सोच कितनी गलत है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।